हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी माथुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं पाइथन। पाइथन में ये लेक्चर 9 है जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाइल लूप, तो ये भी आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है इसमें, अब आप इसको थोड़ा सा समझते हैं फॉर लूप के बारे में। आइटरेटिव स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस, यानी कि जब आपको कोई सीक्वेंस के एलिमेंट को प्रिंट कराना हो तो वहाँ पे फॉर लूप बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इसीलिए बनाया गया है। नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन इन एडवांस, इस बात का मतलब क्या है, जहाँ मैं पता हो कि लूप को कितने नंबर ऑफ टाइम चलाना है, मतलब वहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, रिपीट करते हैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। अब आप ये देख सकते हैं, सी सी प्लस प्लस और जावा, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी है तो आप उसमें फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता था कि पहले इनिशियलाइजेशन, देन टर्मिनेशन और देन इंक्रीमेंट। ये मैंने आपको लास्ट लूप में बताया है कि लूप के कितने स्टेप होते हैं, चाहे वाइल पढ़ो चाहे फॉर लूप पढ़ो। बेसिकली उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनिशियलाइजेशन, जैसा आप देख सकते हो आई इक्वल टू वन, ये क्या कहलाएगा, इनिशियलाइजेशन। यानी कि इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है। आई लेस देन इक्वल टेल, दैट मीन्स कि ये होता है टर्मिनेशन, कहाँ तक वैल्यू जाती है। आई प्लस प्लस, दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है और इंक्रीमेंट भी हो सकता है। ये तो प्रीवियस है, अगर आपने पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आप इस वाले उसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ इस स्लाइड को। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा पाइथन में कैसे आप डिक्लेयर करोगे लूप फॉर आइट्रेटिव वेरिएबल। उसके बाद आइट्रेटिव वेरिएबल इन कीवर्ड लगाओगे, देन सीक्वेंस, जो भी आपको सीक्वेंस प्रिंट करनी है, फिर उस पर एक्शन परफॉर्म करोगे। पाइथन में कौन कौन सी सीक्वेंसेस है जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। इन पाइथन वी रीड मैनी सीक्वेंसेज लाइक ए स्ट्रिंग, लेस, रेंज। तो इसकी हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से हम ये सारी सीक्वेंसेस को रीड करेंगे। मतलब व्हाइल लूप का अलग ही वर्क था, आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और फॉर का बिल्कुल अलग ही है, जहाँ पे हमें एक रेंज है, सीक्वेंसेस है बेसिकली, वो प्रिंट करानी है, वहाँ हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम फॉर लूप का इसमें यूज़ नहीं करते, और सारा जो चैप्टर है वो सब सीक्वेंसेस ही हैं कुछ ना कुछ। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल लाइक हमने लिया एन, एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने कोई स्ट्रिंग ली, मैंने स्ट्रिंग में लिखा सपोज पाइथन। अब हमें फॉर लूप कैसे अप्लाई करना है वो आप देखो। सीक्वेंस हो गई ना, ये स्ट्रिंग का कलेक्शन हो गया। अब मैं एक करेक्टर प्रिंट कराऊंगी, तो ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हो गया। तो फॉर, ठीक है, आइटरेटिव वेरिएबल एक वेरिएबल है, आप उसका नाम कुछ भी ले सकते हो। लाइक मैंने एक्स ले लिया, इन इन लिखना है यहाँ पे। अब मुझे लिखना है सीक्वेंस का नेम, लाइक मेरे सीक्वेंस क्या है, एन है। फिर आपको कॉलन लगाना है, ये तो आपको पता ही है कि पूरे पाइथन में हम इंडेंटेशन को फॉलो करेंगे। देन प्रिंट, आप प्रिंट क्या करोगे, आप एक्स, उसके बाद F5 करोगे, वो रन हो जाएगा, आ गया एक एक करेक्टर। आप ऐसे मानो कि वो पूरी स्ट्रिंग है ना, तो आप उसको आप एक एक प्रिंट करा रहे हो, तो क्या हो गया, करेक्टर्स का कलेक्शन ही तो स्ट्रिंग है, तो एक एक करेक्टर को उसने प्रिंट कर दिया। आप देख सकते हो उसको एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं, यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट रेंज फंक्शन, अभी जो मैंने आपको बताया उससे कुछ भी करेक्टर तो प्रिंट हो गया। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा मुझे कुछ वैल्यूज प्रिंट करानी है तो मैं कैसे करा सकता हूँ, तो दस डेफिनेटली हम रेंज फंक्शन पढ़ेंगे उसके लिए। रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि जहाँ पे आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं आप डायरेक्टली नहीं करा सकते, तो फिर वो रेंज फंक्शन के थ्रू करा सकते हो। इसमें एग्जाम्पल दिया है, If we pass the range 10, it will generate numbers from 0 to 9. यानी कि अगर मैं 10 पास करूँगी तो मेरे नंबर कहाँ से प्रिंट होंगे, 0 से लेके 9 तक। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है फॉर एक्स इन रेंज 5, तो अगर 5 लिखूंगी तो कहाँ तक नंबर जनरेट होंगे, 0 टू 4 तक। आप देख सकते हो 10 दिया है। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं एक बार, तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे फॉर लूप लिया, x एक वेरिएबल लिया, इन रेंज मैंने यहाँ ले लिया 10, कुछ भी ले सकती हूँ। फिर प्रिंट करूँगी x,
तो स्टार्ट कहाँ होगा, 0 से 10 तक नहीं जाता, 10 एक्सक्लूड होता है, एक वैल्यू कम तक जाता है। अब मैं इसे F5 करूँगी, अब आप देख सकते हो 0 to 9 प्रिंट हो रहे हैं स्क्रीन पे, क्लियर। उसके बाद ये समझ आ गया आपको, यानी कि बस लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो क्या है, एक्सक्लूड है। उसके नेक्स्ट 0 to 9 प्रिंट हो गया। आप कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर लीजिए, जो रेंज फंक्शन है वो किसके साथ वर्क करता है, इंटीजर वैल्यूज के साथ वर्क करता है। रेंज नॉट वर्क ऑन फ्लोट, दैट मीन्स कि जो रेंज फंक्शन है वो फ्लोट के साथ वर्क नहीं करता। रेंज नॉट वर्क ऑन कैर, कैर पे भी वर्क नहीं करता। रेंज यूज ओनली इंटीजर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ ही वर्क करता है। उसके बाद रेंज फंक्शन को थोड़ा सा मैं और बताती हूँ। रेंज में आप दे सकते हो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज। अभी हमने एक ही वैल्यू दी थी, वो क्या था, स्टॉप। अगर आप एक वैल्यू दोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, दो वैल्यू दोगे तो स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा, और तीन दोगे तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप का साइज। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। दी स्टार्ट रिप्रेजेंट बिगनिंग ऑफ आइट्रेशन, यानी कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हैं। अगर आप कुछ नहीं देते तो 0 से स्टार्ट होता है, ये आप देख चुके हो। और इसको स्किप भी कर सकते हो, भी लास्ट वाले मैंने स्टार्ट स्टेप नहीं दिया था, ये क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप रिप्रेजेंट। स्टॉप का क्या वर्क है, स्टॉप रिप्रेजेंट दैट लूप विल आइट्रेट टिल स्टॉप माइनस वन, यानी कि मैंने 10 दिया था तो स्टॉप माइनस वन मतलब 9 तक चलेगा। द रेंज 1 और 5, अगर आप ऐसे दे रहे हो तो विल जनरेट करेगी नंबर 1 से लेके 4 तक, क्लियर। नेक्स्ट है द स्टेप साइज इज यूज टू स्किप द स्पेसिफिक नंबर फॉर द आइट्रेशन, यानी कि आपको 1 के बाद 2 चाहिए या 3 चाहिए एग्जाम्पल, तो इट इज़ ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई स्टेप नहीं देते तो स्टेप कितने होते हैं, 1, इट इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। बस इसमें एक चीज़ ऑप्शनल नहीं है, वो है स्टॉप। स्टॉप तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप स्टार्ट भी स्किप कर सकते हो और स्टेप भी स्किप कर सकते हो। अब जैसे ये आगे कैसे आ गया, एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल दिया है और फिर इसका वो इसके बाद ही फिनिश हो जाएगा। मैं आपको ये एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ। फॉर लूप लिया, एक्स इन रेंज, मैंने यहाँ दिया 1, मतलब मैं 1 से स्टार्ट करना चाहती हूँ, 20, और ये दिए स्टेप, अभी स्टेप 1 ही रखती हूँ, फिर प्रिंट करती हूँ एक्स, ओके। मैं 1 की जगह यहाँ 10 कर दे रही हूँ, मैं 10 से स्टार्ट कर रही हूँ लूप और कहाँ तक लेके जा रही हूँ, 19 तक। अब आप देखना, F5 करती हूँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 के बाद 11 आ रहा है, 10 से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। अब आप देख सकते हो, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि 2, 2 के स्टेप का गैप आए, तो 2 किया मैंने, फिर F5 किया। अब आप देख सकते हो 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18। देखिए मैंने आपको बता दिया कि लूप का जो यूज़ था फॉर लूप का, वो सीक्वेंसेस प्रिंट करने के लिए होता है, और मैंने आपको एक स्ट्रिंग का एग्जांपल भी बता दिया और एक नंबर्स का एग्जांपल भी बता दिया फॉर लूप में। अब बाकी आप जो भी सीक्वेंसेस प्रिंट करोगे उसके मेरे हर प्रोग्राम में ऑब्वियसली आएगा ही फॉर लूप। बाकी जो रेंज फंक्शन है उसको मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग किया है, जो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। मतलब पहले तो आपको फॉर लूप का वीडियो मिल चुका है, अब आप उसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, उसमें मैं रेंज फंक्शन के लिए उसको बनाऊंगी एग्जैक्टली। तो आप रेंज फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हो, उसमें इसी को थोड़ा सा डीपली मैंने डिफाइन किया। थैंक यू सो मच।